Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affairs series called To The Point. Zid se jeet tak. Hi everyone. बच्चे जब भी इकोलॉजी uh, से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव आता है राइट दैट मींस कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका एनवायरमेंट uh, इकोलॉजी और आपके गवर्नेंस के इंटरसेक्शन के ऊपर है राइट right? और जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हो वो गवर्नेंस से ही इंटरसेक्ट होती है उसकी सारी फील्ड्स राइट की आदर अगर आपको वो आई एस ऑफिसर कहीं पे लगा रहे हैं तो आप वहां पे इन्वायरमेंट वाला काम भी देखते हो आप डेवलपमेंट वाला काम भी देखते हो है ना आप सारे टाइप के वहां पे काम देखते हो आ, 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 सोशल एनहेंसमेंट वाले काम भी देखते हो लेकिन आप हो तो गवर्नेंस ही उस एरिया की राइट right? हेंस इस टाइप के टॉपिक जहां पर गवर्नेंस और बाकी सब्जेक्ट इंटरसेक्ट होते हैं तो ये पर्टिकुलर चीजें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है या फॉर दैट मैटर कोई भी सिविल सर्विसेज

हाँ तो गवर्नमेंट ने बचे आप, आपकी गाइडलाइंस इशू करी हैं फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट्स जनरेटेड थ्रू ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम इसके बारे में हम देखते हैं अगर वीडियो में टाइम बचा तो हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे फ्रॉम ट्री प्लांटेशन क्रेडिट्स कमाने के और भी तरीके हैं जिनमें से एक है ट्री प्लांटेशन बेस्ड तो ट्री प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाल दी है बाकी बाकी है राइट जैसे अगर आपने एनवायरमेंट के लिए काम करना ग्रीन क्रेडिट्स आपको चाहिए राइट तो ग्रीन क्रेडिट्स अगर आपको चाहिए तो एक तरीका है आपका ट्री प्लांटेशन इसके थ्रू आप कर सकते हो या फिर इसके अलावा वाटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कुछ कर सकते हो मैंग्रोव प्रोटेक्शन इको मार्क स्कीम है है ना एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप कुछ कर सकते हो ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे सबकी गाइडलाइंस जो है धीरे धीरे जो सरकार है देती रहेगी स्टार्ट हो गए विद ट्री प्लांटेशन तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम मेनली इसी इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि ट्री प्लांटेशन के लिए के थ्रू अगर आपको जीसीपी ग्रीन क्रेडिट्स चाहिए राइट right? आपको ग्रीन क्रेडिट्स चाहिए जिसको ट्रेड भी किया जा सकता है ग्रीन क्रेडिट्स अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे आपको है ना आइए बच्चे लेट्स सी सो मेथोडोलॉजी फॉर क्रेडिट कैलकुलेशन उससे पहले ना एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम कि जीसीपी है क्या राइट लेट्स स्पेंड वन मिनट ऑन दिस जीसीपी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट लाइफ फॉर एनवाइ मूवमेंट मिशन लाइफ प्लीज मुझे एक बार यहाँ पे अगर नहीं मैंशन हाँ मुझे एक बार कॉमेंट्स में आप बताइए कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव मिशन लाइफ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है राइट right? इसको मिशन लाइफ को हमने कई बार डिस्कस किया भी है आज अलग तरीके से करेंगे इसको द प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट अ मार्केट फॉर एक्शंस दैट गो बियॉन्ड कार्बन एमिशन रिडक्शन ठीक है सिर्फ रिड्यूस करने पे ही आपको फोकस नहीं करवाना चाह रहे हम इंडस्ट्रीज को और बाकी सबको हम चाह रहे हैं कि इट शुड गो बियॉन्ड बियड रिडक्शन है ना हम सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं है ना हम जो हमारा इनवायरमेंट है इसको हम वापस से फॉर्मर ग्लोरी के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं वी हैव टू गो बियॉन्ड इट है कम्पिटेटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर ग्रीन क्रेडिट ठीक है बच्चे ग्रीन क्रेडिट टू यूनिट ऑफ एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दी एनवायरमेंट हैंस हर इंपैक्ट का हर अलग तरीके से जो है जजमेंट होगी क्रेडिट्स के ऊपर और ये क्रेडिट्स आपका किस अलग अलग तरीके से कंपनी जो है वो यूज कर पाएंगी उसके ऊपर भी डिटेल्स अभी आई नहीं है अभी सिर्फ क्रेडिट बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है मे भी कोई और बेनिफिट मिल जाएगा उनको इफ यू हैव दी ग्रीन क्रेडिट्स तो आप किसी और कंपनी के साथ में ट्रेड कर सकते हो अपने क्रेडिट्स आपके पास एक्स्ट्रा आ गए तो उससे पैसा आप लेके उस वो क्रेडिट वो यूज कर लेगा ओवरऑल तो फायदा ही हुआ था क्योंकि आपने एक्चुअली अच्छा काम किया है राइट दिस इज हाउ इट वर्क यूरोपियन मॉडल है ये वहीं से इंस्पायर्ड है यूरोप के अंदर ये काफी टाइम से चलता आ रहा है राइट right? इस टाइप की चीज और दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट वी आर इन दी नेट स्टेजेस अभी हम डेवलप कर रहे हैं गाइडलाइंस राइट right? हम लोगों को हम इंडस्ट्रीज को अर्ज कर रहे हैं कि आप आप ये भी चीज कर सकते हो आपका सीएसआर के अंदर भी हम इंक्लूड कर देंगे इसको इस टाइप से हम एनकरेज कर रहे हैं कुछ सालों बाद आप देखोगे कि ये प्रोग्राम जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा इट विल बी लाइक अनदर गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी जो हर किसी कंपनी को करनी ही होगी राइट तो स्टार्ट अभी इसकी नेसेंट स्टेज है हमारा क्या काम है इसको समझना क्योंकि आप सरकार की तरफ से जाने वाले हो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर तो हमारा ये काम है कि हमारा इसके पीछे मैंडेट क्या है राइट द ग्रीन क्रेडिट्स आर ट्रेडेबल एंड कैन बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म ठीक है जी इंटरनेशनल नहीं है ये आप चीज में ध्यान रखना प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये बाकी सारी चीजें थोड़ी सी अन इंपॉर्टेंट है फटाफट इसके ऊपर मेथोडोलॉजी फॉरकुलेन द फॉरस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एवरी स्टेट एंड यूटी विल आइडेंटिफाई डिग्रेडेड लैंड पार्सल इंक्लूडिंग ओपन ओपन फॉरेस्ट एक्सेट्रा फॉरस्ट डिपार्टमेंट लैंड आइडेंटिफाई करेगा दीज आइडेंटिड अवेलेबल फॉर ट्री प्लांटेशन बाई इंडिविजुअल ठीक है जी

ये सारे बच्चे इसके अलावा जो है डावर्स एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जीसीपी के अंदर जो और एक्टिविटीज हैं वो ये सारी हैं यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रलिम एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.